ये तो आप सभी जानते होंगे कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। इसके बाद उनके विरोध और समर्थन में कई प्रदर्शन हुए। मुंबई पुलिस और कोलकाता पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस दौरान सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। फाइनली इसको पकड़ लिया गया और घसीट घसीट के इसको लेके जा रहे हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, पूरे वर्ल्ड में वायरल होनी चाहिए वीडियो। गौर से देखो इसे, ये वही नुपुर शर्मा है। इसी दावे के साथ कई ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो ट्वीट किया। फेसबुक पर भी ये वीडियो वायरल है। तो क्या वाकई में नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया? इस सवाल का जवाब है नहीं। वीडियो की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने सर्च किया। जर्नलिस्ट भगवंत सिंह रूपल ने ट्वीट करते हुए बताया कि वीडियो में दिख रही महिला नुपुर शर्मा नहीं बल्कि भूमि बिरमी है। उन्होंने भूमि बिरमी के फेसबुक पोस्ट का लिंक भी ट्वीट किया जिसमें ये वीडियो पोस्ट किया गया है। भूमि बिरमी की फेसबुक प्रोफाइल चेक करने पर हमें 15 जून का ये पोस्ट मिला। इसमें पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प के कुछ वीडियोस पोस्ट किए गए हैं। भूमि बिरमी के फेसबुक अकाउंट में लिखा है कि वो भारतीय किसान संघ चूरू राजस्थान की महिला विंग की जिला अध्यक्ष है। इस आधार पर सर्च करने से हमें एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट मिली। आर्टिकल के मुताबिक चूरू में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसान आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। एबीपी न्यूज के मुताबिक आंदोलन में शामिल महिलाओं को महिला पुलिस ने बाल पकड़कर डंडों से पीटा था। भूमि बिरमी ने ऑल्ट न्यूज को कंफर्म किया कि वीडियो में दिख रही महिला वो खुद ही है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो 15 जून को राजस्थान के चूरू जिले में हुए प्रदर्शन का है। तो जैसा कि आपने देखा, राजस्थान में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान भारतीय किसान संघ चूरू की महिला विंग की अध्यक्ष भूमि बिरमी और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। इसका वीडियो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किए जाने के झूठे दावे के साथ शेयर किया गया।